वाटरलू की लड़ाई कब और क्यों हुई थी? समझ गए आप? वाटरलू की लड़ाई कब और क्यों हुई थी? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वाटरलू की लड़ाई कब और क्यों हुई थी? चलिए इसके बारे में जानते हैं। जून 1815 ईस्वी में वाटरलू में लड़ा गया युद्ध वाटरलू के नाम से प्रसिद्ध है। जून 1815 ईस्वी में वाटरलू में लड़ा गया युद्ध वाटरलू के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में एक ओर इंग्लैंड और उसके मित्र देश थे तथा दूसरी ओर फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में ट्रास की सेनाएं थी। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और उससे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के द्वीप में भेज दिया गया, जहां पर सन 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। यह फ्रांस के एक परमवीर योद्धा का दुखद अंत था। आपने समझ गया होगा कि वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी और क्यों लड़ी गई थी। तो फिर से एक बार देखिए, जून 1815 ईस्वी में वाटरलू में लड़ा गया युद्ध वाटरलू के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में एक ओर इंग्लैंड और उसके मित्र देश थे तथा दूसरी ओर फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में प्रांस की सेनाएं थी। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया और उससे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के द्वीप में भेज दिया गया, जहां पर सन 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। यह फ्रांस के एक परमवीर योद्धा का दुखद अंत था।